देखिए चिकन लॉलीपॉप है, इसे मैं खुद से ही बनाई हूँ और मटेरियल मैं इसलिए हूँ चिकन लंबा हो जाता वीडियो इसी वजह से इसे बनाते हुए नहीं दिखाई हूँ, किसी दिन आपको बनाते हुए दिखाऊंगी मैं। ये देखिए ऐसे है, मैं जब बना ली तब मेरा मन किया वीडियो बनाने के लिए, इसलिए गलती हो गया, नहीं तो मैं बनाते हुए आपको दिखाती, दूसरा वीडियो में बनाते हुए दिखाऊंगी। ये देखिए चिकन लॉलीपॉप है, ये देखिए इसके अंदर लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा का पेस्ट है इसमें लगा हुआ, और लाल मिर्च है और धनिया हल्दी सारे मसाले इसके अंदर है, और एक अंडा है, अंडा भी इसमें फोड़ के लगा दी हूँ। और नमक स्वाद अनुसार नमक है इसके अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यह है चावल का आटा और गैस मैं जला दी हूँ। अब इसे देखिए चावल के आटा के अंदर कोट करना है। ये कोट हो गया, तेल गरम है, इसको डाल देती हूँ। आप फुल तेल में और भी तेल डाल के बनाएंगे तो तेल वेस्ट हो जाता है, जो जला हुआ तेल होता है फिर दोबारा यूज करने का मन नहीं करता, इस वजह से मैं कम तेल डाली हूँ। आप लोग ज़्यादा तेल में इसे डीप फ्राई कर लीजिएगा, और नॉनवेज का तेल फिर कहाँ रखूँ, इस वजह से कम तेल में मैं कर रखी हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगा, स्पाइसी चटनी के साथ खाइए चिकन लॉलीपॉप। मार्केट के खाइएगा तो थोड़ा तो मिलावट होता ही है, अपने घर के बना के खाइए और बच्चों को खिलाइए, बहुत ही यमी बनेगा। और बीच में लाइक करना ना भूलें, मैं इतना बढ़िया बढ़िया डिश बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ना तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है और ना ही लाइक बढ़ता है। पता नहीं लाइक करने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, मोबाइल में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, एक लाइक के बटन दाबने में क्या जाता है आप लोगों के। आप लोग लाइक करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और भी डिश अच्छा बनाने का मन करेगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और ये दिल है छोटा सा चिकन का, तो इसीलिए मैं इसी में डाल देती हूँ। तो ये देखिए चिकन लॉलीपॉप बन गया, कम तेल में ही बहुत अच्छा से बना, ज़्यादा तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से गैस को पहले फुल फ्लेम करें, फिर मीडियम करें, फिर स्लो करें, ऐसे करके पकाए, अच्छी तरह से पक जाएगा और ज़्यादा तेल भी नहीं लगा, वेस्ट भी नहीं होगा तेल ज़्यादा। नॉन वेज के तो कहीं रखने में भी दिक्कत होती है। तो ये देखिए तो लीजिए चिकन लॉलीपॉप बनके तैयार है, थोड़ा गर्म है तभी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह है, देखिए
ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए सॉरी, उनको नहीं है, आप जो खाते हैं उनके लिए है। और एक इसका दिल है, इसे भी यहाँ रख देती हूँ मैं। और देखिए कितना क्रिस्पी है। तब बढ़िया बना हुआ है। और ये लीजिए चटनी, स्पाइसी चटनी, लहसुन, टमाटर, मिर्च, अदरक का बना हुआ है। और इसे लपेटिए अच्छी तरह से, एंजॉय कीजिए। लीजिए खाइए, कैसा लगा बताइए। अगर अच्छा लगा तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।